हाँ फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम आपसे बात करेंगे जो फास्ट चार्जर होता है उसे अगर हम एक नॉर्मल फ़ोन में लगा दें जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, या मान लीजिए एक छोटे से मतलब नॉर्मल कीपैड फ़ोन में लगा दें जो काफ़ी कम वाट के, लगभग 10 वाट या उससे भी कम, 5 वाट से ही चार्ज होता है, उसमें अगर हम 20 वाट के फास्ट चार्जर या 18 वाट के फास्ट चार्जर, 27 वाट के फास्ट चार्जर या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे चार्जर को लगाते हैं, या इससे वूप चार्जर जो 65 वाट तक के होते हैं उससे अगर हम नॉर्मल से फ़ोन में लगा दें जो 10 वाट के चार्जर को सपोर्ट करता है, 10 वाट के चार्ज होता है, तो क्या फ़ोन फट जाएगी? फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाएगी? क्या होगा अगर हम ऐसा कर दें? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, जो फ़ोन होते हैं हमारे, जो फास्ट चार्जिंग का टेक्नोलॉजी है वो पूरी सिर्फ चार्जर पर डिपेंड नहीं करती। वो टेक्नोलॉजी या वो पूरा सिस्टम, वो फ़ोन और चार्जर दोनों का जब मैच होता है तब वो काम करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ चार्जर फास्ट है तो फ़ोन फास्ट चार्ज होगा, बिल्कुल नहीं। या फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो नॉर्मल चार्जर भी आप लगाएंगे तो फास्ट चार्ज होगा, बिल्कुल नहीं। फास्ट चार्जर कितने भी आप वाटेज का ले लें, कितना भी एम्पियर का ले लें, किसी भी प्रकार का चार्जर ले लें, अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता तो वो नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप फास्ट चार्जर का लेंगे फ़ोन फट जाएगा। जैसे नॉर्मल जो पुराने ज़माने के फ़ोन आते थे कीपैड, वो छोटे छोटे फ़ोन आते थे, 5 वाट से ही चार्ज हो जाते थे। तो आज के जो 18 वाट के अगर आप चार्जर लगाएंगे वहाँ पर 27 वाट के लगेगा, तो पहली तो बात कि वो स्लो चार्ज होगा। जैसे उसकी चार्जिंग स्पीड है, जिस टाइप से वो चार्ज होता था या होता है, उसमें जो सिस्टम्स लगाए हैं जितने स्पीड में चार्ज होने का, बैटरी प्रोटेक्शन के लिए जो लगाएंगे उसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो बैटरी ओवर वोल्टेज को नहीं पास होने देंगे। तो उस कंडीशन में वो फास्ट चार्ज नहीं होगा, वो नॉर्मली अपनी ही स्पीड से चार्ज होगा। तो फिर बात आती है कि अगर हम थोड़ा अच्छे फ़ोन पर आए कि एंड्रॉइड में फ़ोन आए जो बजट फ़ोन आते हैं, 10 वाट के चार्जर ही उसमें सपोर्ट करता है, तो उसमें अगर हम फास्ट चार्ज लगा दें तो क्या होगा? देखिए, उसमें भी नहीं चार्ज होगा, क्योंकि हर फ़ोन में फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने के लिए, ना सपोर्ट करने, चार्जिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल लगा होता है जो चार्जिंग बैटरी को हमारे प्रोटेक्ट करता है ओवर चार्ज से, या ज़्यादा वाट का पावर अगर इनपुट हो जाए तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो उसी वजह से अगर फ़ोन सपोर्ट नहीं करता होगा तो नहीं चार्ज होगा। तो वहाँ पर हो सकता है कि चार्जर आप लिख के आ सकता है कि आपका चार्जर सपोर्ट नहीं करता, चार्ज होना बंद हो जाएगा, चार्जिंग नहीं होगा, या काफ़ी स्लो, मतलब स्लो क्या, थोड़ा स्लो ही चार्ज होगा। ऐसी कोई बात नहीं कि फ़ोन फट सकता है, बस यही बात है। और अगर ऐसा नहीं कि अगर फास्ट चार्जिंग का फ़ोन कोई है जो सपोर्ट करता है, फास्ट चार्जिंग से वो चार्जर कोई फ़ोन में सपोर्ट करता है, तो उसे आप अगर डालेंगे किसी नॉर्मल चार्जर से तो फास्ट नहीं चार्ज होगा, वो भी वैसा ही चार्ज है। फिर वूक चार्जर के केस में आते हैं। वूक चार्ज तो काफ़ी फास्ट चार्ज होता है, काफ़ी फास्ट, वो किसी भी फ़ोन को मतलब बहुत ज़्यादा वाट का होता है, वो किसी फ़ोन को हीट भी नहीं करता। तो क्या उसे आप नॉर्मल फ़ोन में लगाएंगे तो हीट नहीं करेगा? बिल्कुल हीट करेगा, क्योंकि जो उसके मॉड्यूल्स होते हैं, जो उसके सर्किट्स हैं, वो फ़ोन और इसमें चार्जर दोनों में मैच करते हैं। उसमें एक सर्किट लगा हुआ है जो पूरा जांच करता है, पहले चेक करता है, जानता है कि जहाँ पर करंट जाना है उस वहाँ पर सारे कुछ सफिशिएंट मात्रा मौजूद है कि नहीं, वो डिवाइसेस, वो कंपोनेंट वहाँ पर मौजूद है या ये फ़ोन सपोर्ट कर पाएगा, तब ही होता है। ऐसा नहीं कि उसे आप लगा देंगे वो चार्ज होने का, बिल्कुल नहीं। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप किसी भी फास्ट चार्जर से भी नॉर्मल फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं हुई। वैसे आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसमें वाटेज ज़्यादा होता है, थोड़े बैटरी के जो प्रोटेक्शन के लिए मॉड्यूल्स लगाए गए होते हैं, चिपसेट लगाना, उसमें थोड़ी सफ़र उनको करना पड़ सकता है, इसलिए आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनका यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें बिंदास यूज करें, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।